अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पापड़ की चटनी, जो बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बस 5 मिनट में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बोलकर हमने 4 पापड़ को फ्राई कर लिया है। 2 से 3 प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 1 टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। और हमने यहाँ पर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है, 4 हरी मिर्च और थोड़े से मूंगफली, उसको भून लिया है हमने। अब हम मिक्सी जार में मूंगफली को डाल देंगे, 4 हरी मिर्च और लहसुन को डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। उसी के साथ हम उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। मूंगफली और लहसुन हरी मिर्च को हमने दरदरा पीस लिया था, उसको डाल देंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें पापड़ को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी सी, चटपटी सी उड़द पापड़ की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कैसे लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।